ओके सबसे पहले सर आपको आलोनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो सर देखा गया है कि हर कोई रिसोर्ट कॉलेज का सोचता है लेकिन इतना नहीं कॉल पाता है सर, और भी देखा गया है कि इसमें भी आपका सामने में भी दो तीन चार ऐसा रिसोर्ट भी है। तो सर आपका इस दर्जन रिसोर्ट को आप कैसे इंस्पायर हुए इसको खोलने के लिए और क्या सोच के खोलाए इसको जितना भी जनता है थोड़ा बता दीजिए। नहीं एक्चुअली ये रिसोर्ट को हम इसलिए खोला गया है, हम देखा गया तो यहाँ में रिसोर्ट तो दुनिया भर का रिसोर्ट है, लेकिन कभी ऐसा अपना फैमिली को लेके जाने से ऐसा नहीं लगता है कि कोई रिसोर्ट यहाँ ठीक ठाक से मतलब नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या सोचा है कि जितना पब्लिक भी और हम लोग का सर्विसमैन और बिजनेसमैन ये लोग भी और दुकानदार लोग का भी कभी दिन छुट्टी दिन तो सबका होता है, तो उसी छुट्टी दिन में घूमने का हमारे वेस्ट संग में देखा है तो कहीं ऐसा घूमने का नहीं है कि रिसोर्ट नहीं है रेस्टोरेंट नहीं है, काफ़ी ऐसा जगह देखा है। तो इसलिए मैं अपना मिसेस का नाम में ये रिसोर्ट खुला गया है, क्योंकि जितना आलोंग टाउन से जो भी मैंने बोरिंग हो गया यहाँ आके ये कर सकता है बोल के मैं ये रिसोर्ट को खुला है मिसेस का नाम में। ओके तो अभी भी हम देख रहे हैं कि आपका इस रिसोर्ट बहुत सुंदर से बनाया गया है, तो देखिए चिल्ड्रेन जो बच्चा आता है उसका भी खेलने के लिए जगह भी बना दिया है सर। तो आपसे जानना चाहिए कि इसको चोर के और क्या क्या फैसिलिटीज इधर आपका रिसोर्ट में दिया गया है। इसमें फैसिलिटीज ऐसा है ये इसमें फैसिलिटीज आपको आराम से जो फैमिली लेके आता है यहाँ रेस्टोरेंट में अगल बगल माँ पिताजी अपना भाई बहन लोग आराम से ये करते हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग यहाँ आपका चिल्ड्रेन पार्क हम बना दिया यहाँ उन लोग माँ बाप को डिस्टर्ब नहीं करते हुए यहाँ आराम से उन लोग खेल सकता है इसी हिसाब से। और मेरा यहाँ रिसोर्ट में जो भी आएगा आपको रेस्टोरेंट का जो आइटम है वो सबको मिलेगा, इसीलिए मैं इसको खुला गया। ओके आपके इधर सोने का भी जगह बंदोबस्त किया गया इसमें ना। हाँ जी। ओके तो स्पेशली ये जो टूरिस्ट में आते सर, तो जो बाहर से टूरिस्ट जो यहाँ में आना चाहता है और जितना भी जनता है उसको आप क्या अपील करना चाहेगा, क्या मैसेज देना चाहेगा? ना मेरे तरफ से ये अपील है कि मैं
ये रिसोर्ट खोला गया है अभी भी, उस दिन भी आपको जोरहाट से है और उधर ये क्या बोलते हैं वो आपका जोरहाट से आया था और काजीरंगा से लोग बाइकर लोग ये लोग बहुत आया। तो मेरा एक्चुअली ये हुआ था, तो हमको बोला आपका रिसोर्ट में, हम पूरा रिसोर्ट में सबको यहाँ एडजस्ट करके यहाँ से लाया। उन लोग का कोई सिस्टम भी उतना ये नहीं चाहिए, उन लोग को आराम से दो तीन करके एक बेड में सो जाता है, एग्जस्ट हो जाता है। तो वो सब के लिए हम, उसके लिए तो वही हम उसको खुला है। तो टूरिज्म को थोड़ा सा प्रमोट कराएगा बोल के मैं हमने ये चीज़ को किया। थैंक यू सर। ये जो रिजॉर्ट खुला है देजम रिजॉर्ट, तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा जगह में खुला है, क्योंकि ये टाउन से 3 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो आजकल क्या है कि टूरिस्ट जो है हसल फ्री ये एरिया ढूंढता है, तो ये बहुत साइलेंट एरिया है और ये पार्क जैसा है। तो इसमें मालिक जो है कुछ बहुत बड़ा एंटरप्रेनर है, उसका ऑलरेडी होटल है आशिक लॉय का, तो वो अभी यहाँ पे उसका होटल से भी यहाँ उसका टूरिस्ट को बेच सकता है। यहाँ में आपका चिल्ड्रन पार्क भी खुला हुआ है, सफिशेंट पार्किंग है, आप ये कॉन्फ्रेंस हॉल भी खुला हुआ है और 3-2 रूम है। तो ये हमारा टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा एसेट है, जो हम लोग टूरिस्ट यहाँ जो आलो में जो हसल प्री टूरिस्ट चाहेगा उसको हम यहाँ आराम से बेच सकते हैं।